अभी तो ये हम लोग फैमिली हॉल के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ का अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी हिरा के साथ। तो आज मैं आई हूँ टिक्का महल। अगर आप लोगों को बहुत मज़ेदार खाना खाना है तो टिक्का महल ज़रूर आइएगा। सिहाला की मेन रोड जो जा रही है अंदर की साइड पे, बिल्कुल मेन स्टार्टिंग में ही ये रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत इनका अच्छा सिस्टम है। मैं यहाँ पे खाना खा चुकी हूँ पहले भी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर इसका रिव्यू दूँ। तो चलिए मेरे साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। चुका है और आपको बताती चलूँ, टिक्का महल सेवर फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और आज हमने वही ट्राई करने की कोशिश की है। आपको इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू देते हैं कि ये कैसा है। तो ये देखिए, जी तो सेवर में आप लोग देख सकते हैं चिकन, ये देखिए, और माशाल्लाह चिकन का टिक्का बना हुआ होता है बहुत नॉर्मल सा। उसके साथ दो शामी कबाब होते हैं, साथ सैलेड रायता और ये पुलाव राइस होते हैं। यहाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फूड है वो सेवर है, तो यहाँ पे बिरयानी वगैरह इतनी नहीं होती। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। जी तो सबसे पहले मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ राइस, और इसके साथ ये कबाब थोड़े ही रखूँगी जो मैं खा सकूँ, और ये रायता हमारा देख सकते हैं आप, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावल जो इनके राइस हैं वो और कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा लग रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं जैसे हम वैसे बनाते हैं पुलाव, बहुत डिफरेंट है। कबाब थोड़े थोड़े से स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है बीफ के रेशेदार कबाब बने हुए। चिकन आपको चेक करके बताती हूँ, गर्म है बहुत। चिकन भी बहुत मज़ेदार माशाल्लाह टेंडर हुआ हुआ है, अच्छे तरीके से गला हुआ है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बट इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है बीफ के बने हुए, लेकिन जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, मैं भी चिकन तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये भी अच्छा खासा टेंडर है चिकन, इसको रायते के साथ चखूँगी। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा चिकन है, चिकन ही टेंडर हुआ हुआ जो इसका टेस्ट है वो ही इसमें आ रहा है, और बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। राइस चेक करती हूँ। जी तो सेवर हमने ट्राई किया और बुरा नहीं था, बहुत इस तरह नहीं कह सकते कि आप खा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे खाया जाने वाला है तो यकीनन कोई ना कोई बात तो है। उतने स्पाइसेस नहीं हैं बट टेस्टफुल हैं, तो
मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर यहाँ आना हो तो ज़रूर तिक्का महल आएँ और यहाँ का सेवर ट्राई करें। जी तो ये हम लोग फैमिली हॉल के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। करीब से आके अगर आप दिखाएं तो ये है कि शाम के वक्त यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है, दिन में नहीं होता इतना। बाहर बैठने का भी सिस्टम है और सेवर फूड के अलावा यहाँ पे बारबेक्यू और सैलड वगैरह भी हैं और फास्ट फूड का वो इन्होंने कार्ट बनाया हुआ है, अगर वो खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। वहाँ पे देखें बारबेक्यू बन रहा है अगर किसी ने खाना हो तो। माशाल्लाह यहाँ के हिसाब से सेवर जो हमने ट्राई किया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं स्पेशली कराची लाहौर के, उन्हें मे भी उन्हें अच्छा ना लगे क्योंकि बहुत लाइट स्पाइसेस के साथ बना हुआ होता है, उसके राइस स्पेशली बहुत लाइट से बने हुए होते हैं, बस चिकन का टेस्ट होता है और कबाब का टेस्ट होता है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और सबसे पहले जाके लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में आती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।